नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। कोविड-19 के कारण कई दिनों से आपकी पढ़ाई बाधित थी, लेकिन मेहता एजुकेशन ने पुनः आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रही, इस कारण से ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ की है। और संस्कृत के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कई अध्यायों को, व्याकरण में कई टॉपिकों को हटा दिया गया है। उसके बाद में 60% आपके जो पठन सामग्री रही है उसका हम अध्ययन करेंगे। वैसे तो आपने 9th क्लास के अंदर संधि के बारे में पढ़ लिया था, समझा भी था। उन्हें हम जो आपके सिलेबस के अंदर जो संधि है, जो संधि के टॉपिक हैं, उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी हमें कम से कम संधि के बारे में, संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद क्या होते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। हम सर्वप्रथम आपका टॉपिक है संधि। जैसा कि आपको विदित है, संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं बेटे दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों, पता है आपको वर्ण क्या है? वर्ण है भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है, वो वर्ण कहलाती है। तो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, संधि परस्पर मेल से भी होती है, लेकिन वो केवल व्यंजन संधि के अंदर होता है। दो जो आपके व्यंजन होते हैं उनका मेल होता है, लेकिन अगर परस्पर मेल से विकार उत्पन्न नहीं होगा, विकार का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन। विकार का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, यथा जैसे रमा प्लस ईश क्या बन गया? रमेश है। जैसे महा प्लस ईश क्या बन गया? महेश है। जैसे विद्या प्लस आलय क्या बन गया? विद्यालय। जैसे आपके नई धन अकह नायक, जैसे पावधन अकह पावक, जैसे प्र प्लस एदते प्रेजते, इत्यादि और भी कई उदाहरण हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि यहां पे देखो रमा प्लस ईश है, रमा में क्या है? क्या है? आ। और ई में सामने क्या है? ई। तो यहां पे दोनों को मिलाने से क्या बन गया? ए हो गया। यहां पे क्या बन गया? रमेश है। इसी प्रकार आ और ई है, आ और आ है, दोनों से क्या बन गया? आ बन गया। इधर आई और अ है, यहां पे क्या बन गया? आई बन गया। यहां पे औ है, आओ बन गया। यहां पे प्र और रेज थे, यहां पे पूर्व रूप हो गया। तो दोनों में, इनमें जो विकार उत्पन्न हो रहा है वर्णों का मिलने से, वह आपके संधि कहलाती है। एक बार इसको लिख लीजिए आप। अब हम संधि के भेद देखेंगे। अब देखो बेटे संधि के भेद, पहले आपने पढ़ा था कि संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। सर्वप्रथम
स्वर संधि, जिसको हम दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है आपके विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। तो ये क्या है, इनके भेद हैं। क्या है भेद? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने भेद हो गए? तीन भेद हो गए। तीनों भेदों का जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग हैं, एक बार इनको लिख लीजिए फिर हम परिभाषाएं बताते हैं आपको। सर्वप्रथम हम स्वर संधि देखते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है, कहलाती है। यथा, अब देखिए वहां पे वर्ण था, यहां पे क्या है? स्वर है। दो स्वर, यानी अगर स्वर संधि के अंदर आप संधि कर रहे हो तो उसकी जो नियम है वो है कि वहां पे दोनों स्वर होने चाहिए। स्वर पता है आपको क्या होते हैं? अच स्वरा, अच ए ई उ री री ए ऐ ओ औ, ये स्वर है आपके। तो इन स्वरों का जब मेल होगा दो का, तो वहां पे जो विकार उत्पन्न होगा वह आपके क्या कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। जैसे आपके मैंने अभी लिखाया था उदाहरण, विद्या प्लस आलय, क्या बन जाएगा? विद्यालय। जैसे महा प्लस ईश महेश, जैसे तथा प्लस एव, क्या बन जाएगा? तथैव। जैसे आपके भानु प्लस उदय, भानुदय। इस प्रकार जब आप देखोगे यहां पे आ यहां पे ई यहां पे आ यहां पे ई यहां पे ए यहां पे ऊ और यहां पे ऊ, यानी कंडीशन क्या हुई कि दोनों जो वर्ण है आपके मेल होने वाले, परिवर्तन होने वाले, वो आपके स्वर हैं, और स्वर होने के कारण यहां पे संधि क्या कहलाई? स्वर संधि कहलाई। लिख लीजिए आप इसको एक बार। दूसरी आती है आपके व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की क्या बताई थी मैंने? दो व्यंजन या एक व्यंजन व एक स्वर, जब इनके मेल से विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। यह था जैसे स्वर संधि में क्या था? दोनों स्वर थे। यहां पे क्या होगा? दो या तो व्यंजन होंगे दोनों,
या एक होगा व्यंजन और एक क्या होगा स्वर होगा, और इसके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वह क्या कहलाएगा आपके व्यंजन संधि। जैसे रामस सेते क्या बन जाएगा, रामस सेते। जैसे बुद्ध धन धी क्या बन जाएगी, बुद्धि। जैसे आपके कृष्ण धन है क्या बन जाएगी, कृष्ण है। जैसे आपके रामस टीक पे क्या बन जाएगा, रामस टीक पे। इत्यादि उदाहरण है आपके। तो यहां पे देखिए रामस सेते, स से और श दोनों व्यंजन, द और ध दोनों व्यंजन, कृष्ण धन कृष्ण दोनों व्यंजन, स और ट दोनों व्यंजन। तो यहां पे दोनों व्यंजनों से जो विकार उत्पन्न हुआ वह कौन सी संधि हुई आपके, व्यंजन संधि। लिख लीजिए इसको। तीसरा है स्वर संधि। अब देखिए तीसरा कौन सी है, स्वर संधि। अब स्वर संधि में क्या होगा, सॉरी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए विसर्ग संधि में क्या होगा कि विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को, विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होगा, कई बार क्या होता है विसर्ग उत्व सत्व रुत्व, विसर्ग के स्थान पर स भी होता है र भी हो जाता है, सत आपके जो स्तुत्व संधि वाला स वो भी होता है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विसर्ग संधि कहलाती है। लिख लो एक बार इसको। जैसे अवदत्त, जैसे बाल है चलती, जैसे राम है सेते, जैसे यहां क्या जाएगा हरी अवदत्त बालो बाल चलते राम है, तो क्या बन जाएगा रामस्य। अब देखिए यहां पे विसर्ग के स्थान पर र हो गया, विसर्ग के स्थान पर श हो गया, विसर्ग के स्थान पर स हो गया। तो ये जो परिवर्तन हुआ है वो क्या हुआ है, विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन हुआ है, इसलिए यह कौन संधि कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। लिख लो आप इसको।
देखिए बेटा, अब देखिए आपके जो सिलेबस है उसमें केवल आपके स्वर संधि है। स्वर संधि में यर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ये आपके चार संधियां दे रखे हैं। इन चारों संधियों में क्या इनके भेद होते हैं, क्या परिवर्तन होता है, ये हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं यण संधि। कौन संधि लेते हैं? यण संधि। अब आपको पढ़ाया गया था पहले कि एक सूत्र होता है इको यणचि। सूत्र क्या है? इको यणचि क्या है? एक है स्थाने यणस्यात्, यानी इको के स्थान पर। इक क्या है? इक ई उ वी री, ये एक है। इनके स्थान पर क्या हो जाए? यण हो जाए। ये वे रे उल। अब देखिए एक के स्थान पर क्या हो गया? ये हो गया। उ के स्थान पर क्या हो गया? वह हो गया। री के स्थान पर र हो गया। री के स्थान पर ल हो गया। यानी यण संधि में क्या होता है कि इको के स्थान पर क्या परिवर्तन हो जाता है? विकार होता है। इको के स्थान पर यह वरल है, यानी यण हो जाता है। तो वहां पर जो संधि कहलाती है वो कौन संधि कहलाती है? यण संधि कहलाती है। तो इसकी वृत्ति लिख लीजिए आप। इको के स्थान पर क्रमशः यण आदेश होने पर यण संधि कहलाती है। लिख लो इसको एक बार। अब इसके उदाहरण देखिए आप। जैसे यदि प्लस अपि क्या बन जाएगा? यद्यपि। जैसे सुधि प्लस उपास्य क्या बन जाएगा? शुद्ध्युपास्य। जैसे मधु प्लस अरि क्या बन जाएगा? मध्वरि। जैसे और भी उदाहरण आपके कई है, जैसे देखो इसको, जैसे गुरु आज्ञा गुरुवाज्ञा। देखो जैसे आपके लृधन आकृति लाकृति ही, जैसे वधु प्लस लिखो, लिख लो इसको, जैसे धात्री प्लस
अंश है, दातुंश है, इत्यादि उदाहरण और भी हैं, लिख लो पहले इनको एक बार। जैसे और है पठवत्र इत्यादि लिख लो। अब देखो यहां पर आप देखोगे यदि प्लस अपि, यहां पे ई है, ई के स्थान पर क्या हो गया यन, ई है, ऊ के यहां पे ई है वो ई है, ऊ है यहां पे ऊ के स्थान पर क्या हो गया वह हो गया, यहां पर ऊ है ऊ के स्थान पर वह हो गया, री ल हो गया, री वह हो गया, ऊ वह हो गया। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि यण संधि के अंदर क्या होगा, इको के स्थान पर इक आपको पता है, अभी बताया मैंने ई ऊ री ली, ये चार वर्ण है, इनके स्थान पर क्रमशः ई के स्थान पर क्या हो जाएगा ये, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर व, ओल री के स्थान पर ल। इस प्रकार से जो परिवर्तन होगा वो आपके क्या कहलाएगा, यण संधि कहलाएगी। धन्यवाद बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा वर्क दे रहा हूं आपको, एक बार उसको देख लीजिए आप। फर्स्ट है आपके संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा लिखो। दूसरा है संधि के भेद व उनकी परिभाषा लिखो। तीसरा है आपके स्वर संधि के पांच उदाहरण लिखो। आपको आपके एसडब्ल्यू में इन तीनों प्रश्नों को हल करना है, और कोई भी समस्या हो तो आप इनको बताएंगे। धन्यवाद।